नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से आज स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब करके आपको एक स्विच दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके आगे आपको एक बेल का बटन दिखेगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में जो भी कोई वीडियोज़ हम डालेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। बिटकॉइन के साथ और दूसरी करेंसीज भी है जिसको हम अल्ट कॉइन्स बोलते हैं, बिटकॉइन छोड़ के उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो लेकिन अभी यही समय है कि अभी इसी समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो हमें वो कॉइन ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं coinmarketcap.com पे, वहाँ पे सभी करेंसीज आपको मिल जाएगी। तो आज जो हम करेंसी देखने वाले हैं वो करेंसी लगभग 13वें नंबर पे आती है, उसका नाम है सिया कॉइन। तो सिया कॉइन ही क्यों? तो सिया कॉइन करने का रीज़न ये है कि जिस तरीके से उसका प्राइस है लगभग 0.015 USD, मार्केट पोटेंशियल के हिसाब से उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है और आने वाले कुछ समय में उसका प्राइस बढ़ने के चांसेस है। तो हम उसका कुछ बेसिक डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहला है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 41 मिलियन US डॉलर में है। उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 27 मिलियन डॉलर्स में है। और चलिए हम देखते हैं उसका ऑल टाइम ग्राफ। जुलाई 2016 से उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है और अभी पिछले कुछ एक महीने से लगभग अप्रैल 2017 से उसमें बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट है। इसका मतलब इसमें अच्छा खासा मूवमेंट अभी चल रहा है। मार्केट्स का आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी सभी टॉप एक्सचेंजेस हैं, पोलोनियक्स है, यूनबी है, बिट्रेक्स, HIT BTC, LKEX है, क्रिप्टोपिया, लगभग सभी एक्सचेंजेस में, अच्छे एक्सचेंजेस में ये कॉइन लिस्टेड है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि दिखा रहा है कि इसमें अच्छा खासा मार्केट पोटेंशियल है, हर मार्केट में लिस्ट है और वहाँ पे अच्छा खासा उसका ट्रेडिंग भी हो रहा है। तो चलो आइए हम उसका ग्राफ पोलोनियक्स पे और डिटेल में देखेंगे। बॉलिंगर बैंड्स का पैटर्न यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट और स्टेडी पैटर्न दिखा रहा है, ग्रोथ के साथ, प्राइस के ग्रोथ के साथ, और फिब लेवल भी कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग पैटर्न दिखा रहा है। आप जब देखेंगे जब कभी भी दो बॉलिंगर बैंड्स पास आ रहा है तो उसके बाद कॉइन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ वॉल्यूम में भी काफ़ी बढ़ोतरी है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखेगा, दोनों बैंड्स पास में आए, कॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ा और वॉल्यूम भी काफ़ी दिख रहा है। उसके आगे भी वही पैटर्न है। ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कंसिस्टेंट स्टेडीली ग्रोथ चल रहा है। उसका वॉल्यूम देखेंगे तो आपको पहले कभी भी टॉप 2 कॉइन्स में मिलेगा। उसका प्राइस अभी फ़िलहाल 611 सातोशी के आसपास है। देखेंगे Sia.tech पे किसी भी कॉइन का, अगर आपको उसका मार्केट पोटेंशियल देखना है तो वो किस सेक्टर में काम करती है, उसका एक्चुअल बिजनेस क्या है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सिया कॉइन जो काम करने वाला सेक्टर है वो सेक्टर है डिसेंट्रलाइज प्राइवेट क्लाउड। डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट क्लाउड मतलब जहाँ पे कि आप अपना प्राइवेट डेटा आप वहाँ पे आपको अपना स्टोर कर सकते हो, लेकिन इनकी एक खासियत है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब आपके डेटा के साथ वो कंपनी भी कोई टेंपर नहीं कर सकती है। उसके साथ आप जब देखोगे पूरा वेबसाइट तो कंप्लीट प्राइवेसी है, फार मोर अफोर्डेबल है, मतलब उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है और उसके और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका जब हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे किसी वेबसाइट्स के साथ जो कि इस सेक्टर में उसको कंपटीशन दे रही है, तो 5 TB स्पेस के लिए सिया सिर्फ $10 चार्ज करती है। अमेजोन, उस गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लगभग उससे 10 गुना चार्ज करती है। बैंडविड्थ कॉस्ट भी उनका लगभग बहुत कम है कंपेरेटिवली अमेजोन और दूसरी कंपनियों से। उसके फीचर्स में भी देखेंगे कि उसका प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइजेशन और मल्टी रीजन रिडंडेंसी की वजह से इसका फीचर्स और उसका काफ़ी अच्छा है। आप अगर और डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप
कम्युनिटी में नीचे कुछ चीज़ें हैं, आप वहाँ पे भी आप लॉग इन करके और डिटेल में चीज़ें देख सकते हो। सिया कॉइन का फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। टोटल मार्केट कैप फॉर टोटल क्लाउड स्टोरेज इंडस्ट्री का लगभग 75 बिलियन USD प्लस है, और उसमें से सिया कॉइन का मार्केट शेयर लगभग 10-20% है। तो सिया कॉइन का समझो कि उससे लगभग 7.5-15 बिलियन मार्केट शेयर हुआ। अभी करंट प्राइस अगर आप देखा जाए तो वो सिर्फ 0.015 USD के आसपास है। तो अगर हम 15 बिलियन का टोटल मार्केट कैप अगर उसका पकड़ते हैं और उसको 0.5 बिलियन, मतलब टोटल करंट मार्केट कैप जो है सिया कॉइन का, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 30 टाइम्स मिलेगा। तो आने वाले समय में अगर हम करंट प्राइस से उसको 30 टाइम्स करते हैं तो कम से कम 0.045 US डॉलर में उसका एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए। रह रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।